ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीपीएम के बैनर तले लोगों ने पथ परिवहन निगम के रामपुर बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हिमाचल की सड़कों पर बसों में ओवरलोडिंग की पाबंदी के बाद लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और प्रशासन है कि कोई कदम नहीं उठा रहा है। सीपीएम के बैनर तले लोगों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के रामपुर बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि हिमाचल की सड़कों पर बसों में ओवरलोडिंग पर पाबंदी के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र, किसान और आम ग्रामीणों को आवाजाही में मुश्किल हो रही है। उनका कहना है कि सरकार को विकल्प के तौर पर बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उनका कहना है कि हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में यातायात का प्रमुख जरिया HRTC बस सेवा है। ऐसे में बसों की कमी के चलते स्कूल कॉलेज के छात्र समय पर शिक्षण संस्थानों में नहीं पहुंच रहे हैं। दुग्ध उत्पादकों का दूध और सब्जी उत्पादकों की सब्जी मंडी नहीं पहुंच रही है। इसका सीधा असर ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अगले 5-6 महीने के भीतर ही हिमाचल ट्रांसपोर्ट के 600 के करीब ड्राइवर व कंडक्टर और अन्य स्टाफ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में परिवहन निगम के साथ साथ आमजन के लिए भी मुश्किलें पैदा होंगी। उन्होंने बताया कि रामपुर क्षेत्र के कुल 108 रूट होने के बावजूद रामपुर में करीब 150 के करीब ड्राइवर व कंडक्टर व अन्य स्टाफ की कमी चल रही है। बिहारी सिंघवी सीपीएम लीडर ने कहा कि हिमाचल परिवहन को सरकार की ओर से जो अनुदान मिलता है वो कम है, जिससे बसों की संख्या कम हो रही है। इससे परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं और खासकर इसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। हम रामपुर में कर रहे हैं इस बात के लिए कि जो हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो सर्विसेज है, खास करके गांव के लिए, वो ठीक नहीं है। समय पर बसें नहीं मिलती और बसें की कमी है। दूसरा, जो गांव से जो छात्र भी पढ़ने कॉलेज रामपुर आते हैं, उनके लिए भी समय पर बसें नहीं मिलती है, इस बात को लेके। दूसरा, जो सरकार का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इसमें ट्रांसपोर्ट में, वो कम है। जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार कदम उठा रही है, इसको निजीकरण की तरफ कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय पर बसें मुहैया कराई जाए ग्रामीण क्षेत्र के लिए। दूसरा है कि जो स्टाफ की कमी चल रही है, ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, क्लर्क की जो कमियां हैं भर्ती करने के लिए, वो तुरंत भर्ती करिए, हमारा सरकार से डिमांड, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। कॉलेज छात्रा चंदनी शर्मा ने कहा कि पहले तो मुश्किलों से गांव की लड़कियां कॉलेज से निकलती थी, उसके बाद बसों की कमी के चलते वे समय पर कॉलेज नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसी स्थिति में कौन शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मैं चांदनी शर्मा कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आपको पता ही होगा, जैसे गांव से लड़कियां कॉलेज पढ़ने आती है, पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों को बड़ी मुश्किल से कॉलेज भेजते हैं, और दूसरी तरफ जब आ भी जाती है तो एक तो कॉलेज में क्लासेस जल्दी शुरू हो जाती है, तो बस नहीं मिलती है टाइम से, जिस कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो क्लासेस भी मिस हो जाती है। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ दोहरी नीति अपनाती है कि जो बसें हैं उसमें ओवरलोडिंग के कारण कई बार हमारे को बैठाया नहीं जाता और टाइम से बसेस नहीं मिलती है, क्लास मिस हो जाती है, जिस तरह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, या तो नई बसें लगाई जाए, नए रूट लगाए जाए, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट और जो स्कूल जाने वाला विद्यार्थी है उनको एक अलग से बस सुविधा दिए जाए। जी, मेरा नाम उषा देवी है, मैं भारसी पंचायत वार्ड खनोटा की रहने वाली हूँ। और वहाँ पे हमारे जैसे गाय होता है, दूध होता है, वो टाइम से बाजार नहीं पहुँच पाता, खराब हो रहा है, और बच्चों को जाने में दिक्कत आ रही है स्कूल जाने में। और क्या बोलते हैं, जैसे हमारे को कहीं जाना पड़ता है बाजार, तो पैदल जाना पड़ता है, समस्या बहुत है हमारे वहाँ पे।